हेलो एवरीवन, दिस इज शेफ अदील विलियम। मैं सब मौजूद हूँ पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस हेडक्वार्टर ट्रेनिंग सेंटर में। और आज यहाँ पे जो जवान हैं जो पुलिस के, ये उनके लिए आज का अफ्तार था, उनके लिए हम यहाँ पे आए हैं उनको अफ्तार कराने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ IFGF चर्च का, वर्ल्ड आर्मीज का, सैया वेलफेयर फाउंडेशन का और विलियम ब्रदर्स का और तमाम दोस्तों का कि जिनकी मोहब्बत और जिनके प्यार से हम लोग कराची जैसे शहर में बड़ा काम करते हैं। और ये सारे जवान वो हैं जो पुलिस के अंदर जो अपनी खिदमत रोड के ऊपर और हमारे लिए सर्व करते हैं, और मैं इनका भी सबका शुक्रगुजार हूँ। ये इफ्तारी आप देख सकते हैं, पीछे इफ्तारी हो रही है। और आज के इफ्तार के साथ प्लस डिनर है। और ये पास्टर राफिल पास्टर भाई साहब मक्खन लगा रहे हैं रोटी पे, सीन ऑन है। और उस्ताद तंदूर में लाइव रोटियां बना रहे हैं और यहाँ पे लाइव बारबेक्यू का सेटअप लगा हुआ है। शेफ की बात बिरयानी कबाब और तंदूर, गर्मा गर्म बिरयानी लग रही है। अवेज भाई और ये बच्चा देखो रोटियां काटता जा रहा है। शेफ सुंदर और नदीम भाई हैं यहाँ पे, नदीम विलियम साहब। और नदीम भाई कोई मैसेज? सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। ये जॉयल जॉयल क्या शरबत पिलाओ, पिलाओ शरबत पिलाओ। ये सारे वो जवान हैं जो मुल्क पाकिस्तान में अपनी खिदमत जो है ना सर अंजाम देते हैं, ताकि जब ये खिदमत करते हैं और हम सुकून से सोते हैं। तो आज की इफ्तारी इन्हीं भाइयों के लिए है। मज़े का टाइम हो गया, इफ्तारी हो गई। हाय बात क्या कर रहे हो? ये शेफ ही बात है। शेफ क्या कर रहे हो? शरबत बनाया, शरबत बनाया। कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज की इफ्तारी का जो मकसद है, जो ख़ास मकसद है, हर साल मैं रमज़ानों में पुलिस वालों को इफ्तारी कराता हूँ। और ये वो लोग हैं जो यहाँ से पुलिस के अफसर बन गए और अपनी खिदमत करेंगे पूरे मुल्क पाकिस्तान में और सिंध में। और इसकी ख़ास वजह ये है कि मेरे वाले साहब पुलिस में थे, तो वो हमें पता है कि किस तरीके से वो खिदमत करते थे कौम की, दिन हो रात हो, सर्दी हो गर्मी हो धूप हो छाँव हो, और वो जो कौम की खिदमत के लिए निकलते हैं ताकि दूसरे लोग जो हैं वो सुकून करें। और वो अपनी जान का नजराना भी दे देते हैं, वो पीछे नहीं हटते। और तमाम जितने पुलिस वाले हैं उनको हम खराज तहसीम पेश करते हैं और उनकी खिदमत के लिए जो कौम के लिए वो खिदमत करते हैं। और मैं फिर शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का जिनकी वसीला से हम कराची में और कराची जैसे शहर में बड़ा काम करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मोहब्बत का पैगाम हम पूरी दुनिया को दे सकें। शुक्रिया, थैंक यू। क्या हुआ?